Hey guys, do you want to know more about methods of calculating goodwill? Then stay connected. Hims Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन द वे टू एक्सेलेंस। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने गुडविल को कैलकुलेट करने की सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी दूसरी मेथड, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल का इवैल्यूएशन कैसे होता है और कौन कौन से कंडीशंस के अंदर इस मेथड को यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So let's understand these aspects slowly and steadily along with Hims Education because it is the way to excellence. So आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या फ़र्क है। देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जितने भी साल का प्रॉफिट होता है उसके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स किया जाता है। कुछ साल के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कुछ साल के अंदर प्रॉफिट कम होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर प्रॉफिट के इंक्रीजिंग ट्रेंड को या डिक्रीजिंग ट्रेंड को कंसीडर किया नहीं जाता है। प्रॉफिट के इंक्रीजिंग ट्रेंड को कंसीडर करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर अगर किसी साल के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है और किसी साल के अंदर प्रॉफिट कम हो रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी नहीं है। जिस साल के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है वो हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने की वजह से हो, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी का हो सकता है कि उसके अंदर कोई रोल ना भी रहा हो, या फिर मार्केट के अंदर कुछ कंडीशन चेंज होने की वजह से आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ गया हो और उसकी वजह से आपको उस साल के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ फैक्टर्स, राइट। और अगर इसी के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट की मेथड से अगर हम लोग गुडविल काउंट करेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमको गुडविल का आंसर रॉन्ग मिल सकता है, राइट। सो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इसकी दूसरी मेथड एग्जिस्टेंस में आती है, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड प्रॉफिट के इंक्रीजिंग ट्रेंड को या फिर प्रॉफिट के डिक्रीजिंग ट्रेंड को कंसीडर करता है। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अच्छी है या बुरी है वो कैसे पता चलेगा? अगर पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली बिजनेस का प्रॉफिट हर साल ऑन एन एवरेज पिछले साल से बढ़ता ही जा रहा है। से फॉर एग्जांपल पहले साल का प्रॉफिट 10,000, दूसरे का 30,000, तीसरे साल का 50,000, चौथे साल का 80,000। सो एवरी ईयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस, प्रॉफिट का इंक्रीज होने का ट्रेंड कंटिन्यूसली है। ऐसा नहीं है कि पहले साल में प्रॉफिट हुआ 10,000, दूसरे साल में हुआ 8,000, तीसरे साल में हो गया 25,000, चौथे साल में हो गया 20,000। ऐसे प्रॉफिट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, राइट। इफ योर प्रॉफिट वैल्यू इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द ईयर, पहले साल से लेकर के आखिरी के साल तक हर साल आपके प्रॉफिट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, इफ देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रॉफिट, तब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज किया जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करने की वजह से हमको गुडविल का इवैल्यूएशन ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और उसकी एक्चुअल इमेज को हम लोग इवैल्यूएट कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हुआ कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर प्रॉफिट के इंक्रीज होने के ट्रेंड को कंसिडर किया नहीं जा रहा था। इट वॉज द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हो सकता है कि अगर आप लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करी है तो ये गुडविल के वैल्यू हो सकता है कि आपको मिसलीड भी कर पाए, राइट। क्योंकि किसी साल के अंदर प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके एवरेज लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके गुडविल की वैल्यू रॉन्ग आएगी, राइट। सो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ किया जाता है। सो व्हेन द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर इज इंक्रीजिंग, when your profit of every year shows increasing trend or decreasing trend, at that time weighted average profit method is used. जैसे हम लोगों ने simple average profit method के अंदर simple average profit calculate किया था, right? In the same manner, weighted average profit method को use करने के लिए हमको weighted average profit count करना होगा। अभी weighted average profit किस तरह से count हुआ? तो उसकी formula है weighted average profit is equal to total weighted profit डिवाइडेड बाई टोटल वेट। अब ये देखना होगा कि टोटल वेटेड प्रॉफिट किस तरह से मिलता है और ये टोटल वेट का मतलब क्या होता है। तो इस मेथड के अंदर एक मैथमेटिकल मैकेनिज्म आता है, एक रूल है। वो रूल ये है कि जिस तरह से हर साल का प्रॉफिट ऑन एन एवरेज ईच ईयर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पहले साल का प्रॉफिट है उससे ज़्यादा दूसरे साल का प्रॉफिट है, दूसरे के कंपैरिजन में तीसरे साल का प्रॉफिट ज़्यादा है, तो तीसरे के कंपैरिजन में चौथे साल का प्रॉफिट ज़्यादा है। उस तरह से हर साल आपके प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हर एक साल के प्रॉफिट को हम लोग को वेट्स देने होंगे। जो सबसे पुराने साल का प्रॉफिट होगा उसको हम लोग सबसे कम वेट देंगे, और जो सबसे रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको हम लोग सबसे ज़्यादा वेट देंगे। जैसे कि सबसे पहले साल के प्रॉफिट को वेट देंगे 1, दूसरे साल के प्रॉफिट को वेट देंगे 2, तीसरे साल को 3rd। लाइकवाइज अगर 5 साल तक कंसिस्टेंटली आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पहले साल से लेकर के 5वें साल तक हम लोग वेट देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो रिसेंट ईयर है, जैसे कि सबसे आखिरी वाला साल, जैसे कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 2017-18 में, राइट, और हमारे पास डिटेल है 2010-11 से लेकर के 15-16 तक। तो जो लास्ट ईयर है दैट इज 15-16 द मोस्ट रिसेंट ईयर, उसको सबसे हाईएस्ट वेट दिया जाएगा, और सबसे पहला ईयर है दैट इज 2010-11 उसको सबसे कम वेट दिया जाएगा दैट इज 1, और 1 से लेकर के 2016-17 तक आपको वेट अकॉर्डिंगली देना होगा, राइट। सो ये बन गया आपका टोटल वेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, सबसे पहले ईयर दिए होंगे, ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, और प्रॉफिट के अंदर भी एक कंडीशन दी गई होगी। वो कंडीशन क्या है कि हर साल का प्रॉफिट ईच ईयर बढ़ता ही जाएगा। पहले साल से दूसरे में प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरे से तीसरे में और बढ़ेगा, एंड लाइकवाइज प्रॉफिट विल बी शोइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड, राइट। और एक बार इंक्रीजिंग ट्रेंड वाला प्रॉफिट मिल गया तो आपको हर एक साल को वेट्स देने होंगे दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 अकॉर्डिंगली, राइट। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 4 साल दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, और हर एक साल के प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है। जैसे कि पहले साल के प्रॉफिट की वैल्यू है 40,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज 50,000, 60,000 एंड 70,000 रेस्पेक्टिवली। सो फर्स्ट टू 4th ईयर के लिए प्रॉफिट की वैल्यू 40, 50, 60 और 70,000 है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर साल प्रॉफिट की वैल्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। इसमें से एक भी साल ऐसा नहीं आया कि जहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू पिछले साल से कम हो, राइट। तो इसी के अंदर हम लोग वेट अलॉट करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे वेट की। तो पहले साल के प्रॉफिट को हम लोग वेट अलॉट करेंगे 1, दैट इज 40,000 के प्रॉफिट को वेट अलॉट करेंगे 1, 50,000 के प्रॉफिट को वेट अलॉट करेंगे 2, थर्ड प्रॉफिट दैट इज 60,000 की वैल्यू के प्रॉफिट को वेट अलॉट करेंगे 3, एंड द मोस्ट रिसेंट ईयर्स प्रॉफिट, सबसे आखिरी के साल के प्रॉफिट की वैल्यू है दैट इज 70,000, उसको हम लोग वेट अलॉट करेंगे 4। सो 1, 2, 3 एंड 4 दीज वेट्स विल बी अलॉटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ 40,000, 50,000, 60,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। अभी सवाल आ रहा है कि वेटेड प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा। तो वेटेड प्रॉफिट की बहुत ही इजी फॉर्मूला है, हमको प्रॉफिट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय वेट्स अलॉटेड टू द ईयर। तो नेक्स्ट कॉलम हम इसी टेबल के अंदर बनाएंगे कि वेटेड प्रॉफिट। तो पहले साल का वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट दैट इज 1, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 40,000। दूसरे साल के लिए 50,000 का प्रॉफिट है और उसका वेट 2 है, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट दैट इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट कम्स टू 1 लाख, राइट। तो 1 लाख बन जाएगा वेटेड प्रॉफिट। इन द सेम मैनर तीसरे साल के लिए प्रॉफिट की वैल्यू हमको मिली है 60,000 रुपये, तीसरे साल का वेट हम लोगों ने अलॉट किया है 3, तो 60,000 दैट इज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट दैट इज 3, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट कम्स टू 1,80,000। तो 1,80,000 बन जाता है हमारा वेटेड प्रॉफिट तीसरे साल का। और उसी तरह से चौथे साल का प्रॉफिट आएगा 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई वेट। सो आंसर आ रहा है 2,80,000। सो 2,80,000 हमारे लिए बन जाएगा चौथे साल का वेटेड प्रॉफिट। क्लियर? अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो आप एक बात दिमाग में ध्यान रखिए कि यहाँ पर हर एक साल के अंदर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड करे हर एक साल के वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला होती है टोटल वेटेड प्रॉफिट। पहले साल का वेटेड प्रॉफिट प्लस दूसरे साल का वेटेड प्रॉफिट प्लस तीसरे का प्लस चौथे का, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 साल है, तो पहले साल को वेट अलॉट किया 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 एंड चौथे को 4, तो टोटल वेट बन जाता है 10, राइट। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर टोटल वेटेड प्रॉफिट फाइंड करने की कोशिश करें तो पहले साल का प्रॉफिट था 40,000 प्लस दूसरे साल का वेटेड प्रॉफिट 1 लाख प्लस तीसरे साल का वेटेड प्रॉफिट 1,80,000 एंड लाइकवाइज चौथे साल का वेटेड प्रॉफिट इज 2,80,000। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट ऑफ 4 years कम्स टू 6 लाख रुपीज, राइट। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया हमारे लिए 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल वेट। यहाँ पर टोटल वेट आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4, इट कम्स टू 10। सो टोटल वेट कम्स टू 10। सो 6 लाख डिवाइडेड बाई 10। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 60,000 रुपीज़, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से काउंट किया जाता है। आगे की प्रोसेस सेम है जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर एवरेज प्रॉफिट के अंदर काउंट किया था। पिछले वीडियो के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड थी तो हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया था, दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। हमको मिला था एवरेज प्रॉफिट और इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ, तो हमको आंसर मिला था गुडविल का, राइट। इन द सेम मैनर यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो हम लोगों ने सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमको आंसर मिल जाएगा गुडविल का, इज इट। तो इस मेथड की मदद से गुडविल कैलकुलेट करने के भी 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको एक टेबल बनाना होगा जिसके अंदर 4 कॉलम आएगी। सबसे पहली कॉलम आएगी ईयर की, दूसरी कॉलम आएगी प्रॉफिट की, तीसरी कॉलम आएगी वेट की और चौथी कॉलम आएगी वेटेड प्रॉफिट की, राइट। और जिस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन करी वेट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर वेटेड प्रॉफिट का, दैट इज कॉलम नंबर 4। ये टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये था स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हमको आंसर मिला स्टेप नंबर 1 के अंदर, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा गुडविल का, गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इज इट। इतने एस्पेक्ट्स को समझने के बाद अब इसी चीज को हम लोग एक कैलकुलेटिव एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हियर द क्वेश्चन इज, नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन ओवर हियर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश पार्टनरशिप फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 years इज अ नंबर ऑफ परचेज ईयर्स और ये जो मेथड आपको यहाँ पर यूज़ करनी है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करना है, राइट। अगर इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन दिया भी नहीं होता, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया होता कि यूज एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट, तो आपको अपने दिमाग से इस चीज़ को सोचना होगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके प्रॉफिट्स की वैल्यू हर साल कंटिन्यूअसली इंक्रीज अगर हो रही है तो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही यूज़ करना होगा। बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर क्लियरली लिखा है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग। सो फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड द ईयर्स। सो 2012-13 का प्रॉफिट है 80,000, 13-14 का प्रॉफिट है 1,20,000, 14-15 का प्रॉफिट है 1,40,000, 15-16 का 160 एंड 16-17 का प्रॉफिट है 1,70,000। सो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि हर साल कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आए कि प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये हुआ कि यहाँ पर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मदद से कैलकुलेशन करनी होगी, राइट। सो दिस मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल बनाना होगा। सो हियर द टेबल इज, फर्स्ट कॉलम इज ईयर 2012, 13, 13, 14 up to years are up to 2016, 17, right. Second column is of profit. सो हर एक ईयर का प्रॉफिट आपको रिस्पेक्टिवली लिख लेना होगा, दैट इज 80,000, 1,20,000, 140, 160 एंड 1,70,000 रिस्पेक्टिवली। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही दी है। अब बाकी की दो और कॉलम आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। नेक्स्ट कॉलम इज वेट। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर सीखा, सबसे पहले साल को सबसे कम वेट और सबसे रिसेंट ईयर को, दैट इज द लास्ट ईयर, द लेटेस्ट ईयर, दैट इज 2016-17, उसको हाईएस्ट वेट देंगे। तो वेट हम लोग अलॉट करेंगे 1 से लेकर के 5 तक। सो पहले साल को वेट अलॉट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड साल को वेट अलॉट करेंगे 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से 5 साल को 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से वेट अलॉट कर दिए जाएंगे। इज इट? एंड द लास्ट कॉलम दैट इज वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे काउंट होगा? कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम नंबर 3, दैट इज प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर मल्टीप्लाइड बाई वेट। तो इस कैलकुलेशन में से पास होता है। तो पहले साल का वेटेड प्रॉफिट 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, इट कम्स टू 80,000। 80,000 का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई पहले साल का वेट, दैट इज 1, दैट इज 80,000। दूसरे साल का वेटेड प्रॉफिट 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई वेट, दैट इज 2, 1,20,000 multiplied by 2, it comes to 2,40,000. Likewise, 1,40,000 multiplied by 3, that is profit multiplied by weight, it comes to 4,20,000. Fourth year का weighted profit आएगा 1,60,000 multiplied by 4, that is fourth year's weight, right? It comes to 6,40,000. And likewise, पांचवें साल का weight आ जाएगा 1,70,000 multiplied by 5, it comes to 8,50,000. Is it? चलिए अभी हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा पहले साल से लेकर के पांचवें साल तक का जो वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल करेंगे, यानी कि कॉलम नंबर 4 का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हमको आंसर मिल रहा है 22,30,000, राइट। इसी हिसाब से टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट करेंगे दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये टोटल वेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 15, राइट। सो टोटल वेट्स वैल्यू इज 15। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट दैट इज 22,30,000 डिवाइडेड बाई टोटल वेट दैट इज 15। सो 22,30,000 डिवाइडेड बाई 15, इट कम्स टू 1,48,666.667। अगर इसको हम लोग राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,48,667, राइट। तो ये बन गया हमारा स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 1,48,667, राइट। याद रखिए क्योंकि यहाँ पर हर साल प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग था, हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज किया। इज इट? नाउ स्टेप नंबर 2, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमको यहाँ पर मिला है 1,48,667 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, दैट इज 3। ये 3 साल आपको क्वेश्चन में दिया गया है। 3 साल का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये जो ओनर है उसको ये लगता है कि ये जो 1,48,000 का एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट आने वाले 3 सालों तक ये बिजनेस कंटिन्यूअसली अर्न कर सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी क्या है? तो अर्निंग कैपेसिटी ये जो 1,48,000 का एवरेज प्रॉफिट है ये आने वाले 3 सालों तक ये बिजनेस आराम से अर्न कर सकता है। इट इज द अर्निंग कैपेसिटी, दैट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज 3 ईयर्स। सो 1,48,667 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट कम्स टू 4,46,001. So the value of goodwill as per weighted average profit method is 4,46,001, right? So आज की इस वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि weighted average profit method कब यूज होगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या डिफरेंस है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल का इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने की और जो मेथड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग अलोंग विद हिम्स एजुकेशन, बिकॉज इट इज द वे टू एक्सेलेंस।